है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज, देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के समस्या समाधान का शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीक्षित ने फेसबुक लाइव से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और उनकी समस्या का समाधान किया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। ये कौन से घर, क्या हो रहा है यहाँ पर आज? ये शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क है और यहाँ पर जन समस्याओं के समाधान के लिए, दिव्यांग, वृद्ध, विधवा, युवा, महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्पीड़न से लेकर के तमाम समस्याएं आज आई हैं यहाँ पे। और आज चुकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के दीक्षित जी फेसबुक लाइव आ रहे हैं, तो उनको भी हम लोग सुन करके और पार्टी का जो निर्देश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसका अनुपालन करेंगे। और यहाँ पर इसलिए और भी सारे पदाधिकारी अभी जुट गए हैं और कुछ रह गए हैं, वो भी आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी चूंकि 2022 का विधानसभा चुनाव उसको लड़ना है, उस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी। और ये जो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं राजनीतिक दल, इनको जवाब देगी जनता की तरफ से। देश में 10% आबादी है दिव्यांगजनों की, उसके साथ वृद्ध, विधवा, महिला, युवा, किन्नर सब जुड़े हुए हैं, तो हमारी संख्या भारी है। और इस चुनाव में 2022 के हम अपनी ताकत दिखाएंगे। YouTube पर अभी हमारे चैनल BPA News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।